Hello guys, this is Jasdeep and welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is all about Ganesh Chaturthi. तो चलते हैं और उसे explore करते हैं ताकि हम देख पाएँ मिट्टी की गणेश जी हैं या POP के हैं या कुछ नया भी आया है. तो let's go. दोस्तों, जैसे कि मैं अभी जा रहा था गणेश देखने, तो यहाँ पर पे आई लव भिलाई करके डेकोरेशन हो रहा है कुछ बहुत अच्छा सा. तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए जाते जाते. काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पूरा बन जाएगा तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर अपलोड करूँगा अपने इंस्टाग्राम पर. तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल. पूरे पौधों से बनाया जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया. आई लव भिलाई दिखेगा ये दूर से. दोस्तों, मैं दुर्ग में आया हूँ अभी. जैसा कि मैंने बताया कि गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो भैया हैं, भैया बताएंगे कि क्या क्या इस साल कोरोना के चक्कर में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या कैसा मार्केट है उसको लेकर के भैया से कुछ सवाल पूछेंगे. तो भैया, मैं बोल रहा था कि इस साल कैसा रहा है मार्केट? मार्केट तो ठीक ही रहा है हमको, क्योंकि टाइमिंग दे दिया है मूर्ति बेचने का. सुबह हम लोग 9 बजे खोल डालते हैं दुकान, 8 बजे बंद कर देते हैं. और कस्टमर तो क्या है, उत्साह से ले जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने घर में रखना है. पंडाल की ज़रूरत नहीं है, घर में रखो, अपनी 11 दिन पूजा करो, सेवा करो, उसको खिला पिला जो भी है. और मतलब मूर्तियाँ कहाँ से लेकर के आते हैं आप लोग? ये हमारी मूर्ति अलग अलग जगह से रहती है. ये आप नामोहारा से है, नांदगांव से है, कनौज से रहता है, अलग जगह से रहता है, खैरागढ़ से रहता है, सब अलग अलग जगह से रहता है. तो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं कि कैसा है? ये मिट्टी की मूर्ति है और लोग इसमें शंका करके बैठे कि इसमें कलर अलग से हुआ है, वार्निश कलर है इस बार. तो लोगों को लग रहा है ये प्लास्टिक का है, कोई कस्टमर बोल रहा है प्लास्टिक का है, कोई बोल रहा है प्लास्टर पेरिस का है, कोई बोल रहा है पक्की मिट्टी का है. लेकिन हम उनको बताने के लिए, सबूत के लिए, कुछ हमारी मूर्ति टूट गई है उसको बता रहे हैं. तो इसका जैसे सबूत देखना हो किसी को कि यार ये मिट्टी की है कि नहीं, तो कुछ कैसे देख के कुछ बता सकते हैं? अपन बता सकते हैं उसको देख के. पीछे इसकी भाग दिया है, ये मिट्टी है, देखो ये मिट्टी है पूरी. जो मिट्टी की मूर्ति रहेगी उसमें पूरा आपको मूर्ति को पलटी करके देखेंगे तो अपने को पूरा दिखेगा, अभी चल जाएगा. ये भी दिखाएंगे एक बार, ये भी दिखाएंगे. ये मिट्टी है पूरी इधर. ठीक है ठीक है ठीक है. तो मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको पलट के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें. दिक्कत नहीं है, घर में ही विसर्जन कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपको बताया जा रहा है कोरोना से बचना है तो अपने घर में रहो, सही रहो, वही सही. ठीक है. और मतलब ये कितने साल से आप मार्केट लगा रहे हैं? मैं 8 साल से कर रहा हूँ ये काम. कहाँ पे? यहीं पर कर रहे हैं. हाँ, तो इस बार थोड़ा सा डाउन है. लेकिन मार्केट डाउन ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉल भी बढ़ गए हैं. पहले दुकान लगती थी 6, अब लग रही है 14 दुकान यहाँ पे. चलो ठीक है भैया, धन्यवाद आपका. तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भैया देवेंद्र कुमार मालापुरे. तो भैया, कितने साल से आप यहाँ पे गणेश की मूर्तियाँ ऐसे सेल कर रहे हैं? और क्या मतलब 14 साल से हम लोग सेल कर रहे हैं.
14 साल से यहीं पर आप हर साल आते हैं और करते हैं। आने वाले सीजन में आप लोग क्या मनोकामना करते हैं गणेश भगवान से? कोरोना दूर भाग जाए हमारे देश से और दुनिया से। हम लोग ये मनोकामना करते हैं कि गणपति पप्पा ये कम से कम बीमारी को, महामारी को पूरे विश्व से गायब कर दे। चलो ठीक है भैया, और के हिसाब से मिट्टी में कमाई कम है कि प्लास्टर ऑफ पैरिस में ज़्यादा थी कमाई? कैसे मतलब? प्लास्टर में ज़्यादा कमाई थी, मिट्टी में कम कमाई। कम कमाई और कोरोना अलग से ऊपर आके बैठ गया। हाँ, कोरोना ऊपर से आके बैठ गया। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। आप 25 साल से कर रहे हैं काम यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पिछली बार से इस वर्ष थोड़ा सा कम है लोगों का आना जाना मूर्तियों को लेकर के भी, पर जैसा कि दिखाया मैंने कि मिट्टी की मूर्तियां भी हैं यहाँ पर पे, आप चेक कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति को अगर आप पीछे से देखेंगे तो दिखता है कौन सी मूर्ति मिट्टी की है, कौन सी मूर्ति मिट्टी की नहीं है। तो अगर आप लेने भी जा रहे हैं तो सेफ्टी से जाएं, सैनिटाइज़ करें अपने आप को पूरी तरह अच्छे से। और बचपन से देखते आ रहे हैं बहुत भीड़ रहती है इस बार पर, थोड़ा सा लग रहा है कि कम रहेगा, उत्साह उतना नहीं है। उत्साह लोगों में बहुत है पर मार्केट में उतनी भीड़ नहीं है और ना ही रहेगी। तो आप सब भी सेफ़ रहें और बप्पा से मनोकामना करें कि इस बार जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो और नेक्स्ट ईयर आए तो हम अच्छे से मना पाएं इसको। गाइस, ये भिलाई दुर्ग का वाटर फिल्टर प्लांट है जिसका बचपन से मैं फिल्टर पानी यहाँ का पी रहा हूँ। मैं मेरे घर तक आता है, आपके घर तक भी आता होगा भिलाई दुर्ग में जो रहते हैं। तो इसका ये एनीकट है, यहाँ पे पूरा वाटर स्टोर होता है। और जैसे अभी देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो ओवरफ्लो हो रहा है पानी, रेनी सीजन चल रहा है। एंड मैं यही बोलूँगा आप सबको कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया है गणेश चतुर्थी का भी काफ़ी ज़्यादा लोग सतर्क हैं इस बार और मार्केट में भीड़ भी बहुत कम है। तो मैं आप सब लोग को यही बोलना चाहूँगा, गणेश भगवान से हम सब मनोकामना करें इस बार, जल्द से जल्द कोरोना को ख़त्म करें वो और हम सब मिलकर नेक्स्ट ईयर उनको बहुत धूमधाम से मनाएं। एंड अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।